महाराष्ट्र के नवी मुंबई के उरण में ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन यानी कि ONGC के प्लांट में भयंकर आग लग गई है। आग आज सुबह 7 बजे लगी। इस आग में 5 लोगों की जानें चली गई हैं, जबकि 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं। दमकल विभाग की गाड़ियां आग पर काबू पाने की हर मुमकिन कोशिश में लगी हैं। आग के बाद इलाके के कई गांवों को खाली भी करा दिया गया है। ONGC के जिस प्लांट में आग लगी है वह महाराष्ट्र में घर घर LPG गैस मुहैया कराती है। LPG गैस के कारण आग लगातार बढ़ती ही जा रही है। फिलहाल प्लांट से गैस की सप्लाई रोक दी गई है। आग के बाद ONGC ने बयान जारी करते हुए कहा है कि आग को फैलने से रोक दिया गया है। गैस को हजीरा प्लांट की ओर रवाना भी कर दिया गया है। यह आग गैस प्लांट में लगी है। फिलहाल फायर ब्रिगेड की 20 गाड़ियां मौके पर मौजूद है। जहां पर यह घटना घटी है वहां पर भारी मात्रा में ज्वलनशील पदार्थ मौजूद है। फिलहाल ONGC प्लांट की ओर जाने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया गया है और इस आग पर काबू पाने की हर मुमकिन कोशिश में दमकल विभाग की गाड़ियां लगी हैं। SPN9 न्यूज़ के लिए मैं ब्रह्मांश यादव। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।